खड़े होने पा रहा हूँ मैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मैं यहाँ प्रभु से मिलने को मेरे को मौका मिल गया, इसके लिए मैं सभी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यस, जोर से तारीफ कर सब। खुदा दान भी आप इन जिथे जिथे होवे खुदा उथे नबी होवे खुदा दान भी। और मैं जब से मैं प्रोग्राम बनाया था कि कब मेरा फ्रेंड आएगा इंडिया और मैं इसको लेके पास्टर बिजनेस के पास जाऊं, और ये कुदरती ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जुड़ाया कि संडे वाला दिन ही जो यहाँ पे यहाँ आने का मौका मिल गया। और ये भी चाहते थे कि हम जाएंगे, तेरा चर्च कैसा है, तो कैसे चर्च में जाता है। मैंने बोला तुझे दिखाऊंगा जरूर, और आज आके देखे हैं और ये भी खुश हुए हैं, जो पब्लिक देख के और यहाँ के टेस्टिमनी देख के, यहाँ के मिरेकल देख के, वो भी बहुत खुश हो गए। जोर से तारीफ करें, जोर से। गॉड ब्लेस यू। आइए, आई विल प्रे फॉर यू। ओके, I will pray for you. Please eyes close. Abalaba shabalaba balaba shabalaba balaba shabalaba balaba shabalaba. पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनकी फैमिली को ब्लेस कर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हेल्थ को ब्लेस कर, हेल्थ को ब्लेस कर परमेश्वर, और सच में और ज़्यादा इनके बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। आमीन। सुन, लड़की किधर गई? इधर आ जा फटाफट, इंग्लिश में बोल। इनको बोलो होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। होली स्पिरिट इज टेलिंग टू मी कि परमेश्वर आपके बिजनेस को, जीसस योर बिजनेस, बढ़ाने के लिए जा रहा है। गोइंग टू इंक्रीज। यस, जीसस गोइंग टू इंक्रीज योर बिजनेस। आमीन, आमीन। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है आपको। बहुत सारी आशीषें अब से होंगी, और ये blessings you will receive in the name of Jesus. हाँ, पवित्र पवित्र Holy Spirit ने मुझे कहा, Holy Spirit telling to me, किसी का नाम A से और M से है। Someone's name start from M or A. A, A for. Someone's name start from A. Whose What name? What is your name? What's your name? Andre. Andre. बोला Hallelujah. Hallelujah. And S name, S. And whose name start from S? S. Someone's name start from S? No. My name. इनकी family. No. From your family. S name, जो company में अब से जब S name. Somebody's there is your some friend from studying name from S. Holy Spirit is asking. कि एस नाम से कोई आपकी कंपनी में है। There is a person from name start from S in your company. आपको याद आएगा। And you will recall. कुछ प्रॉब्लम आई उस वजह से। So many problems happened. आज से 3 महीने के बाद। From today, 3 months. परमेश्वर उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। Jesus is going to break your all problems. आप 3 महीने के बाद से आपके बिजनेस में और बड़ी सारी आशीषें परमेश्वर खोल रहा है। After 3 months, Jesus is going to bless in your business and your business will increase a lot. A नाम को आशीष दे रहा है आपके। And Jesus gives blessing to A names. A name. A names. जो काम करेंगे ब्लेस हो जाएंगे। The work you will do will bless. ये मेरा आशीर्वाद है आज से आपके ऊपर। It's my blessings on you. आप पूरे हॉलैंड में बताएंगे लोगों को परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया। And you say all peoples in your neighbors that people Jesus blessed me. हमारी कलीसिया आपके लिए दुआ कर रही है। And all people हाथ बढ़ाओ, सब हाथ बढ़ाओ, बोलो परमेश्वर, बोलती रहना। Jesus, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Jesus bless all people. जोर से क्लैपिंग करो इनके आने के लिए, शाबाश। जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। जला जला जला।
सुना श्री मौजज़े। यस, टेस्टिमनी के साथ बहुत सारे लोग रह गए, हाथों को उठाओ शमाज, ऊपर करो ऊपर करो। और देखो आपके सामने कोई लुधियाने से आया, पांच मन से बेटे, हेलो मजाक नहीं करना स्टेज पर, दो मिनट ध्यान दे। लुधियाने से बच्चा नहीं था आपके पास, बेटा नहीं था, अभी प्रेग्नेंट है आप। जोर से बोल, डर क्यों रही आगे गुआ, डर क्यों रही है, जोर से बोल। हाँ पापा जी को जय मसीह। आप बताओ, बच्चा नहीं था आपके पास? नहीं, तीन साल से नहीं। तीन साल से नहीं था, अभी प्रेग्नेंट है आप। कैसे मिली बेटे आशीष? पापा के बर्थडे पे आई थी, पापा ने कहा यार नाम वालों को बच्चा होने जा रहा है। आर नाम वालों को बच्चा होने के लिए। लाली पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सा कैमरा चला रहा तू? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। और ये देख रहे हैं इनकी सिस्टर को पास बेटा नहीं था, बिहार से आया, 14 साल से बेटा नहीं था। कितने साल से बेटे? 14 साल। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए। सारे बोलो हालेलुया। जय मसीह पापा जी। राजस्थान से आए, 14 साल से बेटा नहीं था। yes. कैसे मिली आशीष बेटे? हम आप रिसीव कर, प्रोफेसर रिसीव कर रहे थे। हाँ जी, हमने रिसीव किया जो बेटा हो गया। देखो आपके सामने है कि राजस्थान में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सेवा नहीं करने देते। ये तो मेरा स्टाइल था, तू क्या कर रही है? सारे बोलो हालेलुया। राजस्थान में सेवा करने से रोकते हैं, इंद्रा शाबाश। और देखो तेरे को किसी ने जबरदस्ती बुलाया, माइक करो, किसी ने जबरदस्ती बुलाया? नहीं पापा जी। तेरे को कर रहा कोई धर्म बदला? नहीं। आप यहाँ पर आए हैं? आप हमें फोन पर देख के आए थे सर। फोन पर देख कर आए? आशीष मिला आपको? हाँ जी। 14 साल से बेटा नहीं था। यस। यहाँ से आपने आप प्रोफेसर को रिसीव किया, अभी बेटा हो गया? हाँ जी। कहाँ है फोटो? देखो स्क्रीन पर फोटो, गुड न्यूज के साथ तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। देखो फिर कह रहा हूँ, 14 साल थोड़े नहीं होते। राजस्थान, बिहार, यूपी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड से भी ये बिजनेस की आशीष लेकर गए, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी आए, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर गोरे क्या काले क्या, अभी कीनिया में भी, यूएसए में भी, कई जगह पर काले लोग देखते हैं, वाच करते हैं, और वो कहते हैं समझ नहीं आता, पर ये जो यूं यूं करता है तो हमें ठीक लगता है। तो अभी उनको ब्लेसिंग मिल जाता है, बस वो टच करते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा उनकी टेस्टिमनियां, और बहुत सारे काले लोग अगले संडे आ रहे हैं चर्च में गवाही देने के लिए। परमेश्वर आशीष दे आपको। वो कहते हैं बस आपके हाथ से अनॉइंटिंग चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई आदर करे ना करे, परमेश्वर आदर करने वालों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज दे रहा आपके सामने। मैं कह रहा हूं कि एक नहीं, राजस्थान में भविष्यवाणी कर रहा हूं, 3-3 ब्रांच होंगी हमारे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ को। देखो 6 महीने से बेटा नहीं था, 6 महीने, 3 साल से, 3 साल से बेटे, कितने साल से? 3 साल से। मेरी सिस्टर के पास कोई भी बच्चा नहीं था। हाँ। पापा अपने प्रोफेसी की पिंकी है, पिंकी उसे प्रभु बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए यार, आज मेरी सिस्टर 6 महीने से प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो मैंने क्या कहा, ऐसे नहीं लोग बोलते, ताजपुर चर्च में चले जाओ वो मशहूर है बेटों के लिए। हालेलुया, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, जहां खड़ा हो जाऊंगा उनको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये आपके सामने है, राजस्थान से है तू भी? राजस्थान से है क्या? तेरे इलाके में एक बहुत बड़ी ब्रांच होगी यीशु मसीह के नाम में। कहां से आई है तू? राजस्थान से पापा, श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। हां, खोल दो उधर, शाबाश, हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष देता है, डरना नहीं है आपको, कोई आकर डरा देता है तुम धर्म बदलते हो और तुम डर कर बैठ जाते हो, ये लॉ नहीं है, लॉ नहीं है ये। आप किसी का धर्म नहीं बदल रहे, किसी को कुछ नहीं कर रहे, ये लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, समझ रहे कि नहीं? आप प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने घर पर लाइव देख सकते हैं, आप क्यों डरते हैं? आपके आज अगर आपको चर्च में रोक रहा लाइव देखने के लिए, तो घर पे भी रोक सकता है। आपको अंदर डर है तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो। अगर आप अंदर आत्मा में दिलेरी है परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके साथ आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ, जल्दी प्रोफेसर जी, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। ये बता रहे कि काफी समय से इसने भी चीकू के लखाया, काफी समय से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अच्छा मिल नहीं रही थी। हाँ। आपने इनको आगे बुलाकर इनका नाम लेकर प्रोफेसी करी थी। हाँ, हाँ। कि अप्लाई करो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। हाँ। इन्होंने अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके। जलाली सुना श्री दाना में, जलाली हो दे कमने, जलाली सुना श्री दाना में, जलाली हो दे कमने। बोलो
यीशु मसीह की। सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा था, 2024 आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लाएगा। आप बस मेरे लिए दुआ करो, बताऊंगा तुम्हें गुड न्यूज। हालेलुया। हाँ बेटे बताएंगे शाबाश गवर्नमेंट जॉब की गवाही के साथ। कहां से आए आप? मल्ला वाले। तो माइक में बोलना, कोठे पे चढ़ के बोल। फिरोजपुर। फिरोजपुर से बेटे। हाँ क्या मिली आशीष बताएंगे? गवर्नमेंट जॉब। कैसे मिली बेटे आशीष? एप्पल मीटिंग थे आई थी। एप्पल मीटिंग में आए थे और कितने सारे एप्पल ले आई इसकी माँ। देखो हमारा एक एप्पल खाया और कितने सारे एप्पल लेकर आई है। बोलो हालेलुया। बिलीव करना है आपको आज। ये देखो आपके सामने फिरोजपुर से आए, लोग फाजिलका से आए यहाँ पर आपने बताया, और गवर्नमेंट जॉब की आशीष हॉलैंड से आया, कह रहा बिजनेस नहीं चल रहा था, कार घर नहीं था। वो बंदा कह रहा मेरे मालिक को मैंने बताया और उन्होंने लाइव देखा, उसका बिजनेस चलने लगा यीशु मसीह के नाम में। वो गवाही देकर गया ना अभी। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर मेरा चेहरा भी देख रहे हो, आपको आशीष मिल रही है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा साथ रहने से, जीसस के साथ रहने से पतरस और पौलुस और ही मनुष्य बन गए। आपको बताता हूं पतरस ने आशीष कैसे लिया था, कुछ को बता रहा हूं आज। बताओगे तो नहीं किसी को? इधर लड़के इधर आ जा, लेट जा यहां पर जल्दी कर। दूसरे लड़के तू भी आ जा, रोतड़े से आ जा, लेट जा। ये जीसस लेटा था एक दिन यहां पर ऐसे, मतलब कहीं पर भी, अपने अपने घर पे, घर तो होता ही नहीं था पहले। जीसस एक जगह पर लेटा हुआ था, रात को सो रहा था, और जीसस ये पतरस आया, इसने देखा जीसस सो रहा है। अब जीसस आप जाओ, उठ जाओ जीसस जी, क्या कहूँ आपको। उठ जाओ, जा साइड पर जा। अब ये यहाँ पर आकर लेट गया, यहीं लेट जा, जहाँ ये लेटा था। अब ये लेट गया उसी प्लेस पर, पता क्यों? कहता मेरा पापा यहाँ पर लेटा था। कह रहा रात को जो इसको ड्रीम आया होगा वो मेरे को आएगा, जो उसने खाया होगा मैं खाऊंगा, जो उसके ऊपर आशीष होगी मैं लूंगा। समझ में आया? वहां पर लेट गया ये, और फिर नमान आया। नमान ने देखा लीशा कहां बैठा है, लीशा उठा नहीं, और वहां से मिट्टी उठा के ले गया जहां पे लीशा बैठा था। समझ में आ गया? पुराना नियम और नया नियम मैच कर रहा है कि नहीं? yes. समझ रहे हैं? और लीशा ने एक मिराकल कैसे किया, एक लड़का मर गया और लीशा गया, तू तू जिंदा है, घबरा मैं तेरे ऊपर लेटने वाला नहीं हूं, और उसकी खाट पर उसके ऊपर लेट गया। समझ रहे हैं मेरी बात? yes. आशीष हमारे अंदर है। Amen. अलीशा ने क्या बताया? आशीष हमारे अंदर है। जोर से बोलो हमारे अंदर है। ये कुर्सी हटा देना यहाँ से, वो भाई देख रहा है, इधर कुर्सी हटा दे इसको, कुर्सी नीचे कर दे, चल। आशीष हमारे अंदर है। अंदर है, कहाँ है आशीष? और उसने उसके ऊपर लेट कर उसको आशीष दे दिया। समझ में आई? yes. आशीष माँ बाप के अंदर है। yes. आशीष बुजुर्गों के अंदर है। Amen. आशीष आपके प्रॉफिट के अंदर है। Amen. दिल खुश करोगे साडा? yes. तो लो आशीर्वाद आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? yes. देखो अगर कुछ दान दून डालोगे तो देंगे ना आशीर्वाद, अगर खाली फोकट में टाइम खराब करोगे तो कौन देगा आशीर्वाद? मतलब ऐसा सुना है आपने, माँ बाप भी खुश नहीं होते अगर तनख्वाह उनके हाथ पे ना दो, और बहू का तो ना मुंह मोटा हो जाता है, माँ को दे दिया पहली तनख्वाह, मुझे नहीं दिया। तो भाई साहब थोड़ा सा पादरी का भी कुछ कुछ होता है, आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप बो रहे हैं, सबसे ज्यादा काटने वाले भी आप ही होंगे यीशु के नाम। ये बोने का स्टाइल है। yes. कह रहा उसके बाद कह रहा कि पतरस को आशीष मिला। हाँ, अब आप जाओ। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब जहां पर आप बैठे हो यहां पर कह रहे कि एक प्रॉफिट के पैर पड़े हुए हैं। इस सारे चर्च में घूमता हूं मैं, प्रार्थना करता हूं, तो आप जहां बैठे हो वहीं पर अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम। Amen. समझ में आए कि नहीं? पवित्र आत्मा काम करता है। देखो गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली फिरोजपुर से आए, जिनके नाम मैं फिर कह रहा हूं कि GNRMNSPK गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। आ जाना मेरे चर्च में, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप भी ले हैंड प्रे करा के देखना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में।
जय जय शाबाश नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ शाबाश जलालिये सुना श्री दाना में जलालियो देखम ने प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है जल्दी, जल्दी। ये बहन बता रही है कि इनका बेटा 4 साल से कनाडा में था पीआर नहीं मिल रही थी जैसे ये बहन चर्च में आई प्रोफेसी को रिसीव किया ये बहन बता रही है 4 साल के बाद कनाडा की पीआर मिल चुकी है जला, जला। जोर से तारीफ करो शाबाश इन सुंदर गवाहियों के लिए फटाफट लास्ट गवाही लेंगे जल्दी जल्दी बाकी सब लाइन लगाओ 4 साल हो गया सिगा अभी बेटी बहुत डरती मैं प्रार्थना करा मैं कोई गल नहीं पता आ जाऊंगा तेरा बढ़िया नंबर जब आया तो बेटी खुश हो गया मैं सब बेटी भी घुटना टेक के पेपर दिया कर कहया कर पापा ने किया जब नंबर आ गया बेटी बहुत खुश है कहते मम्मी बढ़िया नंबर से मैं पास हो गई बढ़िया ब्याह आ गया कम्बा आ गया बढ़िया मैं चल ठीक है पता भी चल गवाही बन दे अपना दे के आई गवाही बेटे कहाँ से आया लुधियाने से आई लुधियाने से आए आपका बेटा कनाडा गया बेटी बेटी गई आ गया शाबाश देखो लुधियाने से आई है और इसकी हालत देखो आप ये बेचारी बहुत गरीब घर की है बहुत गरीब घर की लेडीज है ये और इसने अपनी बेटी को कनाडा में भेज दिया लड़की चुप क्या करते हो आप कुलचा दे किराए के घर से मैं कोई गल नहीं बेटी मेनू घर नहीं चाहिए मेरे बेटा बेटी की जिंदगी ठीक हो जाएगी मैं रेड़ी लगाती हूँ कुलचे छोले की सारे बोलो हालेलुया बहुत ताने मार दे किराए पर रहती किराए पर घर से तू रानी है तू तो खुद शर्म खाचे चर्च जन्नी है भी चर्च तो सासी किराए के घर से तो अपना कोठी ला लिया तू तो कोठिया नहीं लेती घर तो लेती है मैं कोई गल नहीं मेरा बेटी बेटी घर है मेरे पर वो घर है कोई गल नहीं आज निकाल तो मिली मतलब बहुत गरीब घर की लड़की है ये औरत है इसके पास देखो ना घर है कुलचे छोले का काम करते मैंने क्या बताया आपको जब नबी के पास आए पतरस पौलुस ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल साधारण थे गरीब थे परमेश्वर ने उस दिन उनको और ही मनुष्य बना दिया yes. आज आपके सामने है कह रहे हैं कि इसका मोहल्ले में नाम हो गया इसकी बेटी कनाडा वाली हो गई हालेलुया छोले भटूरे वाली नहीं रही है अब कौन होगी तू कनाडा वाली जोर से तारीफ करो जोर से यीशु नासरी दा नामे जलालियो देखो मैंने ये भविष्यवाणी आपके लिए चर्च सुनो ये भविष्यवाणी है उसके बाद गाना ये गीत ये भविष्यवाणी है मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन के बाद तुम्हारे लिए कह रहे कि लोग गवाहियां देंगे लोग मुंह से अंगीकार करेंगे लोग बोलेंगे ये तो पैसे वाले हो गए ये तो आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम में तुम और ही मनुष्य हो जाओगे आज रात के बाद फेमस हो जाओगे आज के बाद अपने पड़ोसी को बोलो तू फेमस हो जाएगा आज के बाद सारे बोलो हालेलुया अपने पादरी की तरफ भी इशारा कर दो बोलो तू फेमस हो जाएगा आज के बाद यह आशीर्वाद होता है दे दो आज क्योंकि बाइबल में लिखा जैसा बोगे मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तुम्हें भी नहीं लगेगा बोलो आज से आशीर्वाद मिले यीशु मसीह के नाम में हमारी मिस्ट्री का सुसमाचार पूरे वर्ल्ड में फैल जाए यीशु मसीह के नाम इसी बात के लिए फेमस होना चाहते हैं और कुछ नहीं बोलो हालेलुया सुनेंगे गवाही सुनेंगे हाँ हाँ शाबाश हालेलुया प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है इनके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी ताजपुर चर्च में आए अनॉइंटिंग ऑयल वर्ड को यूज किया परफेक्सी का रिसीव किया बेबी के साथ ब्लेस हो चुके हैं बेटे ऊपर उठाओ शाबाश मैं देख रहा हूँ कि इसी समय जॉब के साथ मैं बेटी के साथ क्या मिला जवाब दे दिया था डॉक्टर ने कोमा में थे हाँ बोलो तुम्हारी लड़की कोमा में थी दिसंबर में लड़की पैदा हुई थी हाँ 15 घंटा हॉस्पिटल में ठीक थी अगर बाद मैं घर पे ले आया थी तो कहना कि उसको मुंह से गाज आने लगा और क्या आने लगा गाज मुंह से आने लगा ताज हाँ ताज क्या होता है जैसे थूक आने लगा अच्छा गाज हाँ, कैमरे से हटना
सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लड़की को जवाब दे दिया था, कोमा में थे, ऑयल लगाया आपने, उसके बाद बच्ची कोमा में से बाहर आ गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ठीक हो गई अब? जोर से बोलो। हाँ ठीक हो गई। ठीक हो गई। माइक करे जिसकी वॉल्यूम। हाँ ठीक हो गई पापा जी। इसकी वॉल्यूम तेज है, आदमी की माइक लिया करो। हालेलुया। मैं नशा खाता था पापा जी, मैं चंगा हो गया। नशा खाते थे आप? मैं चंगा हो गया पापा जी। अच्छा खाते में नशा पीते हैं? खाता कब? दारू भी पीता था, जर्दा भी खाता था। अच्छा खाते थे? मैं चंगा हो गया था। अच्छा अच्छा जर्दा खाते थे? कौन से जर्दा खाते थे आप? नाम होगा उसका कोई? उड़ता पंछी? हाँ उड़ता पंछी। हालेलुया। अब ये इस पे तवा ना लग जाए। हम ये नहीं कहेंगे हम भी खाते थे। महेश जम्मू से, प्रोफेसर रिसीव किया आपने है? जयपुर से। हाँ हाँ, क्या आशीष मिली आपको? मैं जब इस ताजपुर चर्च में 6 महीने हुए सर मेरे को आए पापा जी। हाँ, कितने का मिराकल मनी हुआ आपके साथ? 2.5 लाख रुपए का। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये एक का सिक्का जिसने उठाया उसके साथ लाखों रुपए की मिराकल मनी हो रही है आज। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। 5 साल से थायराइड था आपको? नहीं, लुधियाना से आया आप। हाँ जी। थायराइड था आपको? हाँ। 1.5 साल से जी। देखो 1.5 साल से थायराइड था, रिपोर्टें साथ में है, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, थायराइड गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। ब्लड बहुत जाता था, बहुत परेशान हो गई। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे दांत में जख्म हो गया था, फोड़ा निकल गया था, बहुत दवाई करे। जब डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर मिलता ही नहीं था। फिर मैं प्रभु पर छोड़ दिया, मैं कहा प्रभु तू ही ठीक करेगा, मेरा ये भी जख्म एकदम धुआं बन के उड़ गया। तारीफ करें जोर से। देखो ऊपर उठाओ बेटे, शाबाश। क्या आशीष में मैरिज की ब्लेसिंग मिला आपको? कुछ लोग बोलते हैं हमारे लिए लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। परमेश्वर ने दोनों ही इंतजाम कर दिया। हालेलुया। मिराकल मनी भी कर दिया। जोर से तारीफ करो। कोर्ट केस था, किसी पर गिल्टियां थी, किसी को रसौलियां थी, किसी के ऊपर कोर्ट केस था, किसी को LED टीवी मिला, किसी को दुबई में आशीष मिला, किसी का पाइल 7 साल से पाइल था आपको। 7 साल से बाबा सिर। कहाँ से आए आप? कहाँ से? गुरदासपुर से। क्या करने आए हो? हाँ जी गवाही देने। हाँ जी। अभी कैसे ठीक हुए आप? मैं ऑटो ऑयल कराए तो ऑटो ऑयल। हाँ जी। कौन सा ऑयल? तेल और वाटर। तेल और वाटर लिखाया आपने और बवासीर नहीं है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 15 साल से बवासीर थी। देखो कहाँ से आए? बिहार से आए। 15 साल की बवासीर, 5 साल की बवासीर ऐसे कैसे जा सकती है? ये परमेश्वर का मिराकल है। मैं कह रहा हूँ जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले रहे हैं इस हफ्ते में एक नई प्रार्थना के साथ तयार की है, लेकर जाऊं गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने एविल स्प्रिट थी, 4 साल से स्पेशल ले एंड प्रे कराया, 20 साल से नशा करता था भाई। हाँ बेटे कहाँ से आए आप? हिमाचल कांगड़ा से। कांगड़ा से आए? देखो शाबाश। हाँ बताओ। 20 साल से नशा करता था, ले हैंड कराई आपसे पिछले हफ्ते। हाँ। आज नशे से आजाद हूँ मैं। अभी मन नहीं करता। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब कि पत्नी के साथ लड़ना नहीं है। पत्नी पति के साथ लड़े ना, पति बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको गुस्सा मत करें, उनका प्यार से समझाएं या फिर उनके लिए ले हैंड प्रे कराएं। बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने है, आप जितना कहोगे बच्चों को उतना वो नशा करेंगे, झगड़ा करेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं या कराते हैं तो उसी समय कोई चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, और भाई आज़ाद हो गया इसकी। देखो पत्नी रो रही है नीचे बैठकर, क्यों? क्योंकि पता है औरतों को शराब पीने के बाद आदमी कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन जिसके घर में कोई नशा करता है, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, आ जाना चर्च में, आपके लिए ले हैंड, फ्री ले हैंड करूँगा, आ जाना चर्च में। बस एक बार बता देना हमारा पति नशे करता है, कौन कौन है वो, इतनी सारी। तो हम एक दिन रखेंगे जिनके पति नशे करते हैं, बच्चे नशे करते हैं, तो मैं उनके लिए फ्री ले एंड करूंगा। मैं एक दिन फ्राइडे का दिन रखूंगा। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। मुझसे
गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। काफी समय से एक्सीडेंट के प्रॉब्लम था, किसी की वाइफ को भी पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर का प्रॉब्लम था। सबको जय मसीह की। हाँ, मेरे पत्नी को एक साल से पाइल्स की प्रॉब्लम था और प्रॉफिट जी की भविष्य दुआई को रिसीव किए और आशीष का तेल लगाया और सही हो गई, और मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था और मैंने आशीष जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। देखो, किसी को घर की आशीष मिला, सालों साल से किराए पर थे, घर की आशीष, बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिला। एविल स्पिरिट से परेशान थी, लुधियाना से आई बहन इंदरजीत मार रही थी, हमाई करना गए, मेनू आए लगदा सी जिवें मैं बचना नहीं होना, मैं महाराज जी दी कृपा दे नाल इत्थे पहुंची ते मैं शोभा यात्रा च भी आई सी ते जल ते तेल लै गई सी, ओ नाल मेरा बचाव हो गया, मौत नेड़े सी। हुण मेरी अखां ते कृपा करो महाराज जी। ओ यीशु मसीह महाराज है। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, सिर पे हाथ रख लो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को आशीर्वाद मिले यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए, आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरने पाए, और मैं आज हाथ रख के आशीष दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब फूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी आज जिन्होंने गवाहियां दी इनकी गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने गवाही को सुना, गवाही बनाने वाले एंजल आपके साथ जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। माइक की आवाज खोलो, और इसी समय स्क्रीन पर जब खड़े हो जाओ अपनी ब्रांचों में, शाबाश। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना। अगले जितनी भी ब्रांचें हैं, हम एक हफ्ते के बाद, अगले हफ्ते अपनी टिकट बुक कराओ, मुझे आपके 12 लोग चाहिए। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। हर एक ब्रांच के 12 लोग, जो वो नहीं जो ब्रांच संभाल नहीं रहे। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग ब्रांचों में क्या करते हैं, जो ब्रांच संभाल रहा होता है उस पर तवा लगा रहे होते हैं कि तू पैसे खाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 12 मेंबरों की एक कमेटी बनानी है, पीछे बात नहीं करेगा कोई। 12 मेंबरों की कमेटी बनानी है बेटे, जो मुझे सुन रहे हैं। 12 मेंबरों की जब कमेटी बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मैं दूंगा, आपको सर्टिफिकेट दूंगा, आपको लाइसेंस दूंगा मैं। आप सेवा कर सकते हो कहीं पर भी बैठकर, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, समझ गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से, आपको उसको कोर्ट में दिखाओ वो वैलिड है, समझ गए। 12 बंदे मेरे पास आएंगे, मैं आपको सेवादार वॉलंटियर का भी आपको दूंगा कार्ड, आपको मेरे पास आना है। हर ब्रांच से 12 बंदे एक हफ्ता छोड़ कर लिख लो डायरी में, अगले हफ्ते आओ, नाम बताओ, वहीं पर वहीं लाइसेंस दूंगा मैं आपको, मैं दूंगा, कोई और नहीं देगा, मेरा स्टाफ देगा, मैं वहीं बैठाऊंगा, आपको बुला रहा हूँ मैं। ब्रांचों के सिर्फ 12 लोग, यानी नाना चाचा ताऊ फूफा मामा नहीं चाहिए, सिर्फ आप आएंगे जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो हर संडे वहाँ पर आते हैं। 12 लोग, सेवादार, लंगर संभालने वाला, डांस की ड्यूटी करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, मुझे वो लोग चाहिए। ये नहीं, मुझे टाई लगाने वाले लोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं करते वो लोग, सिर्फ चर्च में बुराई करते हैं एक दूसरे की और कुछ नहीं करते। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो बुराई करते हैं चर्च में बैठकर। मैं फिर कह रहा हूँ, हांगकांग में भी हो चाहे कहीं पर भी हो, आप किसी कंट्री में रहते हो, अगर आप 12 लोग आना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मिलो चर्च संभालने वाले लोग, चाहे फ़ौरन से 2 लोग आ जाओ। आपको सुनना, अगले एक हफ्ता छोड़कर अगले हफ्ते आप किसी भी दिन, आपको डेट बता दी जाएगी, मैसेज कर दिया जाएगा, आपको आना है। दान जो है, आप लोग बोलते हैं दान, दान कैमरे के सामने गिना जाएगा आपके चर्च में। जो लोग मेंबर बने हुए हैं, जिम्मेवार वो होंगे अगर किराया आपसे नहीं निकला तो, मेंबर देंगे, क्योंकि मुझे पता है 12 लोगों में से ही कोई मेंबर बुराई करते हैं चर्च संभालने वालों की। पास्टर का दान जो है, अगर मैं कलीसिया का दान सबको दिखा दूं तो इनको लगेगा नहीं, आशीष नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। बाइबल में लिखा दान गुप्त होता है, इसलिए उनको बताया नहीं जाता। जो बाहर फॉरेन में बैठे हैं, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप अपना दशमांश यहाँ भेजते हैं, आपका चंदा इतना नहीं होता जितना प्रॉफिट बजिंदर किराया देता है, फॉरेन में भी इंडिया में भी। आपको समझना है कि आप दान हम बता नहीं सकते। आपके कैमरे में 2 बंदे, पर्चियाँ डालो 12 मेंबर, और वो पर्चियों को उठाओ, 12 में से 2 बंदे, जिसकी पर्ची निकलती है वो दान को गिनेगा, सुन रहे हैं।
चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। आप दान गिनो, अगर दान कम हुआ तो आप देंगे। पता आपको 14 लाख रुपए अकाउंट से, मेरे अकाउंट से जाते हैं हर हफ्ते। और मेरे को सुनने को मिलता है कि ये देखो जी वो फलाना फलाना पैसे खा गया आपके। अगर हमने जिसको रखा उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, जो बंदा गलती करता है उसके बारे में बताओ। लेकिन आपको सुनना है, मेरा अकाउंट चेक करो, मेरे अकाउंट में से 10 लाख 11 लाख 14 लाख ऐसे हर हफ्ते जाते हैं, हर हफ्ते। मैं आपको दिखाऊंगा कितना आया और कितना गया हर हफ्ते। अगर आपको किसी को भी, मेरे चर्च में भी किसी को शक हो तो दो बंदे चिट्ठी डालो, एक बंदा आओ और चेक कर लो जिसको आपको विश्वास हो। आप ऑनलाइन, ये मुझे यहाँ से नहीं आता, ये सब यहाँ पर कैश, इनका चंदा मैं बैंक में डालता हूँ जाकर, और तब मेरा गुजारा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हमें बतानी ये बात इसलिए पड़ी है क्योंकि ताकि हम आपको बताएं कि हम आपके पैसे का क्या कर रहे हैं। हम अपना घर नहीं चला रहे, हम लोगों का, लोगों को चर्च के अंदर लेकर आ रहे हैं, ब्रांचों में किराया जा रहा है, पैलसों का किराया जा रहा है, वो अकेला प्रॉफिट बजिंदर दे रहा है, लेकिन आपके सहयोग से दे रहा है। जब आप सही टाइम पर अपनी भेंट और दशमांश देते हैं तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। ये लड़ाई बाहर जो आप कर रहे हैं बाहर ना करें, अपने घर के अंदर रखें। अभी मेरे पास मैसेज आया, एक लेडीज हांगकॉन्ग से रो रो कर मुझे वीडियो भेज रही है। तो आपको समझना है बेटे, आपको नहीं तो आपके घर में बीमारियां होंगी, समस्या होंगी। दान के बारे में कभी नहीं बोलना, वो खाता है वो भुगतेगा। यूदा इस्करियोती ने खाया वो भुगता, मेरा जो खाएगा वो वैसे ही भुगत लेता है। मेरा कोई खा ही नहीं सकता, रात को मुझे सपना आ जाता है, खासकर पैसे के मामले में। हालेलुया। आपको बिलीव करना है आपका, लेकिन अब आप चेक करो, आपको सबको आपको चेक करना है आपस में कि दो दो बंदे मैं यहाँ भी बिठाऊंगा, इनको भी गिनाऊंगा कि देखो दो बंदों की ड्यूटी लगाऊंगा। और बता भाई, आपके सामने चिट्ठी उठाएंगे एक दिन। और उसके बाद आपको एक प्रेम करना है, ये नहीं करना। जो बंदा ये कहता है ना कि यार इतना चढ़ावा चढ़ रहा, वो बंदा ख़त्म है, कभी बिजनेस में फल नहीं सकता, कोई आशीष उसके घर में नहीं है। आपको कहना है परमेश्वर कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, आपके सामने है, एक दिन आपके सामने भी गिराएंगे कितना चढ़ावा चढ़ता है। ये आपके ख्वाब है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आज वहाँ जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट करने, आज वहाँ जाना पड़ता है, लोग आते भी नहीं, मुझे बुलाना पड़ता, रात रात हो जाती है, सुबह 4-6 बजे घर जाता हूँ अपॉइंटमेंट करके लोगों से, कारण जागना पड़ता है। लेकिन आप विश्वास करें, आपका दान जो है वो परमेश्वर को देख कर देना है आपने। जो परमेश्वर की ओर देख कर दे रहा है, पवित्र आत्मा इस हफ्ते में, इस साल में उसकी गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा, यीशु मसीह का नाम। मैं प्रेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन ब्रांच, अपने कॉइन को उठाओ, फिर से कॉइन उठाओ, शाबाश, मुझे दिखाओ अपने कॉइन को, फिर चर्च में उठाओ। और मेरा कॉइन कौन ले गया? कॉइन उठाओ, शाबाश, अपने कॉइन उठाओ। हाँ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और सारी ब्रांचें दिखा कि कोई स्पेशल नहीं है मेरे लिए ब्रांच, आज उन्होंने मेरा मन अच्छा नहीं किया हुआ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी जो तेरे दास की बात को सुने, जो ईमानदारी के साथ चले परमेश्वर, ईमानदारी के साथ बोए, मेरे प्रभु उनके हाथ में ये कॉइन परमेश्वर करोड़ों रुपए में बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में, करोड़ों रुपए में बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में, इनका बिजनेस अरबों रुपए में बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में, मिलियंस ब्लेसिंग आने पाए, यीशु मसीह के नाम में, डबल पर डबल हो जाए, आशीष पर आशीष आए। पवित्र आत्मा में सोनोटिंग को खोलता हूँ इस समय, इसार ब्रांच में, फरीदाबाद ब्रांच, इसी समय इसार, फरीदाबाद, राजस्थान, केरला, इसी समय गोवा, कर्नाटका, अहमदाबाद, इसी समय गुजरात में पवित्र आत्मा जी, मुंबई में और अंधेरी में, और इसी समय पवित्र आत्मा अलग अलग जगह पर परमेश्वर, सारी जगह पर पवित्र आत्मा जी, इसी समय फरीदाबाद में, राजपुरा, पटियाला ब्रांच, बठिंडा, कपूरथला, और इसी समय पवित्र आत्मा नारायणगढ़, यमुनानगर, अंबाला, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ अंडमान निकोबार, और इसी समय परमेश्वर आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग दे, यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष को खोल दे, यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो हाथ उठाकर पवित्र आत्मा जी सिक्का लेकर आज पवित्र आत्मा मुट्ठी बंद करके परमेश्वर ऊपर उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये सिक्का इनका गिरने ना पाए परमेश्वर, कोई भी
पवित्र आत्मा आशीष इनकी रुकने ना पाए, पवित्र आत्मा इसी समय इनकी बरकतें 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 डबल होने पाए, डबल होने पाए, डबल होने पाए, आज से फ्यूचर आज से इनका डबल होने पाए। पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, ग्रीस से, जर्मनी से, इसी समय थाईलैंड से, क्या बैंकॉक से, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर मलेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से आशीष को डबल देखते हैं भाई यीशु मसीह के नाम में, डबल देखने पाए, डबल 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 देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। जो नुकसान कर रही है आज से आत्माएं, जो इनके पैसे को चोरी कर रही है, आज के बाद आपको ये पैसा अपने पर्स में रखना है, आपके नुकसान होने बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोटियां डबल होने पाए, आपकी आशीषें डबल होने पाए, जो बीमार है आज वो चंगा होने पाए, पत्रियां बाहर, सोरियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर चाहे, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, काला मोतिया चाहे, चिट्टा मोतिया चाहे, यू आर हील, घुटने का दर्द चाहे, कमर का दर्द चाहे, बुखार जाए, गले का शराब टूट जाए, गले का हर इंफेक्शन एलर्जियां जाए, बाल झड़ने बंद हो दांतों में से, वो इसी समय इंफेक्शन खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। शरीर के ऊपर फुलफेरी चिट्टापन इसी समय निकल जाए, बार 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कुल्ले का दर्द, टांगों का दर्द, पेट के ऑपरेशन, पथरियां इसी समय, यूट्रस में से रसोलियां, बांझपन, शराब फूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, आंखों पर हाथ रखो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, निकल जाए वो ब्लैक मैजिक, जिनको ड्रीम नहीं आता। रात को मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आत्मा कह रहा है, एक बहन है मुझे देख रही है और उसको ड्रीम्स आते हैं बहुत भेड़े भेड़े, और वो डर जाती है, ड्रीम्स जान नहीं रहे हैं, जिसको गंदे सपने, डरावने सपने, आप सुन रहे हैं, फिल्मी सपने, ड्रीम्स आते हैं। अभी अपने सिर पर हाथ रखो इसी समय, आउट यीशु के नाम में। आज से परमेश्वर तेरी ओर से ड्रीम आए यीशु मसीह के नाम में, इनका घराना बचे, आशीष आए, बोलो आमीन। जो ब्रांचों में खड़े हैं सुनो ध्यान से, आपके नाम, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आपके नाम ए एन आर एस और वी और जी और डी वाले, के और सी वाले नाम, आप घर बनाएंगे लेंटर डलेगा आपका, आमीन। क्या आप डालना चाहते लेंटर? अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरा इस 3 महीने में लेंटर डलने पाए, मेरी प्रेयर को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, लो गुड न्यूज मिलेगा, आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं जोर से तारीफ करो, जोर से। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर, अपने हाथों में बीज पकड़े, और इसी समय ये बीज आपके लिए आशीष भरा होगा आज। अपने हाथों में बीज पकड़े, शाबाश, बीज पकड़े, शाबाश, आपके हाथों में बीज, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये तेरे को दे रहा हूँ दान आज, इतने रखता हूँ मैं गोद में, सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, अपने हाथों में पकड़ो बीज, क्या आप तैयार हैं बीज पकड़ने के लिए? जो आज बेस्ट बीज बो रहा है, आज मैं उसे अमेरिका पहुंचाऊंगा, क्या आप विश्वास करते हैं? सारे बोलो हालेलुया। देखो बेस्ट बीज बोने वाला जाएगा कहीं से कहीं, क्या जाने के लिए तैयार हैं? बोलो हालेलुया। कह रहे मोल लेने के समय, नीति वचन 20:14 में लिखा, मोल लेने के समय ग्राहक कहता है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, परंतु चले जाने के बाद बड़ाई करता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे इस वचन से, क्या समझे आप? जब औरतें साड़ियां लेने जाती हैं दुकान पर, कोई बड़ी चीज खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो क्या बोलते हैं? कहते हैं अच्छी नहीं है यार, उसको पता है अगर अच्छा बोल दिया तो रेट टूटेगा नहीं, तो इसलिए औरतें क्या बोलते हैं, कहती है क्या गंदी सी साड़ी, इसमें तो झाड़ से निकल रहे, कितनी गंदी साड़ी है, जच नहीं रही, रोंगटे से निकल रहे हैं, इसके तो लिशकारे भी निकल रहे हैं। आप ऐसा करते हैं और बाद में लेने के बाद दुकान के बाहर निकल के अपनी सहेली को बोलते हैं, कहते हैं, कहते देख ले कितनी महंगी साड़ी 500 रुपये में ले ली, बेवकूफ बना दिया, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। अभी आपको मैं अच्छा ना लगूं, अभी मेरे कोई बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जब यहां से निकलोगे, घर जाओगे, एक गवाही बनेगी आपको के बहुत अच्छा था। आमीन। समझ में आया कि नहीं? यस। जब आप घर जाओगे तो आप तारीफ करोगे, अच्छा था, अच्छा था, अभी तो मन नहीं लग रहा बैठकर, अभी इधर उधर ध्यान है, अभी चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन यहां से जो एक बार
कर आज बीज बो कर जा रहा ना उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है कि नहीं? हाँ कि ना? ये परमेश्वर की ओर से आप बीज बोएं आज। पवित्र आत्मा बेस्ट बीज बोने वालों के लिए आज कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने कहा है मैं कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ। होली स्पिरिट ने कहा आज अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्त्री के QR कोड में जो ऑनलाइन बो रहे हैं परमेश्वर, इसे मैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, नेपाल से, आसाम से, त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और फॉरन वाले जो व्हाट्सएप नंबर पर इस समय बातचीत करें बोने के लिए, पवित्र आत्मा जी इंडिया से जो बो रहे हैं परमेश्वर, पंजाब से, जम्मू से, इस समय परमेश्वर जो ब्रांचों से बो रहे हैं पवित्र आत्मा, धारीवाल क्या हर ब्रांच इसी समय आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन इसी समय पवित्र आत्मा बीज बोने वाले लोग आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूं, 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 आपके पैसे को ब्लेस करता हूं, आपके हाथों को ब्लेस करता हूं, आपकी जॉब को ब्लेस करता हूं, आपकी कमाई को ब्लेस करता हूं, डबल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं, हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, बच्चों को, घर को, जहां आपके पैर ब्लेस हो जाए आज से, आपकी जुबान ब्लेस हो जाए आज से यीशु के नाम में। आप जो कहें वो होने पाए, आप जो अंगीकार करें वो हो जाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। आज से आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपका पैसा डबल होगा, बोलो हालेलुया। इसका बेस खोल, बेस बाद नहीं, बेस। आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, देखो कहीं कहते हैं इधर से जोर लगवा रहा था, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप बेस खोल के रख, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। एक कोर्स गाएंगे मेरे साथ, शाबाश गाओ। जलाली सुना श्री नामी, जलाली उदे कमने, प्रचार का समय कोई उठेगा नहीं। हाँ, जलाल 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 गो जलाल जलाल शिफा सारे रोगानु मिटोदाई, यीशु नासरी मौजज़े विखोदाई, देवे शिफा सारे रोगानु मिटोदाई, जलाली यीशु नासरी दा नामे, जलाली ओदे गमने, जलाली यीशु नासरी दा नामे, जलाली ओदे गमने, बलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो, शाबाश। अपना बीज अपनी मुट्ठी में पकड़ो और उठाओ, जिसने बो दिया वो हाथों को उठाओ। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आशीष दे आज। मैं एक एक जन की तरफ देख रहा हूँ, कैमरा दिखा इधर, शॉट चेंज कर। इसी समय परमेश्वर मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। इनको ब्लेस करता हूँ, बोलो आपके हाथों को ब्लेस करो, ऊपर ऊपर उठाओ अपने हाथ।
आपके हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। फिर से उठा अपनी आपकी मुट्ठियों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपके हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। ब्लेस हो जाओ आज। यस आमीन। अपने हाथ उठाओ, ब्लेस हो जाओ आज। आमीन। ब्लेस हो जाओ आज। आमीन। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, पावर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज पर गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। जो चर्च में खड़े हैं बैठे हैं, परमेश्वर इनको आशीष पर आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज दे परमेश्वर इन्हें यीशु मसीह के नाम में। इधर इधर पवित्र आत्मा आशीष दे इन्हें यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज दे, ये परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे रहा। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। जिन्होंने बोए उनको ब्लेसिंग मिलेगी आज। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, अपने पर्स अपने बटवे, आज कॉइन फाइनेंशियल मीटिंग है, आज एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे और अपने बैंक में जाएंगे और आप तीन बार हंसेंगे। आप अपने मुंह को पकड़ेंगे, मुंह को आपसे रुका ही नहीं जाएगा। सही कह रहा हूँ, आप अपने मुंह को पकड़ेंगे और आपसे रुका नहीं जाएगा। क्यों कहेंगे यार ये तो कितना हो गया, ऐसा होगा आपके साथ। अब देखो, पवित्र आत्मा इसी समय मैं एंजल भेजता हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय जाओ, इसी समय मिराकल करो, मिराकल मनी रिलीज, पावर 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 जीसस पावर 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 स्वर्ग से रिलीज होने पाए। इनके बैंक अकाउंट में रिलीज करता हूँ, इसी समय फंड को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, भविष्यता होने के नाते रिलीज करता हूँ, रिलीज रिलीज। इनका अकाउंट डबल हो, डबल हो, डबल हो, डबल हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ओ इनके काउंट में एक बड़ी गुड न्यूज आई यीशु मसीह के नाम में। इनके चेहरों पर परमेश्वर इसी समय परमेश्वर वो स्माइल वापिस आए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एंजल जा रहे हैं आपके आसपास। मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने बीज बोया आज। आप तीन, कोई एक महीने में, कोई दो महीने में, कोई तीन महीने में, कोई करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग को देखेगा, कोई घर बनाएगा। ये तीन महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष, आपकी हीलिंग आश्चर्यकरम होंगे। आप कहेंगे तीन महीने के अंदर जिन्होंने बीज बोया भी, आप हाथ रखेंगे इस हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं इसी हफ्ते के बाद, आप कहेंगे ऑपरेशन होना था कैंसिल हो गया यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। क्या खुश हैं आप? बोने वाले खुश हैं आप? Yes. सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इतना जोर ऐसे नहीं लगाया क्योंकि माल ज्यादा था, उसको उतारना था सबके लिए। Yes, amen. पहले मैं थोड़ा सा करके चला जाता था, अब ब्रांचें बढ़ गई हैं। Yes. तो पतरस को जोर लगाना पड़ा, मछलियां अकेले से लगा नहीं, सबने लगाया। amen. और आज जोर से हालेलुया बोलना, उतार लो आज। हालेलुया। जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे। सुनो, ये कहेगी जीतांगे, कितने लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट में मिरेकल मनी हो? तो ये कहेगी जीतांगे जीतांगे, और आपने आज स्माइल दे दे के बोलना आ गया आ गया। बोलो बोलो बोलो, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, आ गया आ गया।
मैं फाइनेंस को स्क्रीन पर देखने वालों के घर में रिलीज करता हूँ। आमीन। और इसमें गवर्नमेंट जॉब देख लो, मेरे हाथों पर यीशु मसीह की हथेलियों में नाम लिखे हैं आपके। आमीन। गुड न्यूज। आमीन। अभी अभी प्रभु को मालूम है आपने कितना बोया है, जो बोए हैं वो काट रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा। बैठ जाए सब, एक छलांग लगा के शाबाश, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आज? कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मिरेकल मनी नहीं हुआ, आज होगा। आमीन। जो नहीं हुआ होगा, टेस्ट मनी आएगी आज। आमीन। विश्वास करते हो कि नहीं? तुम्हें हल्के में लग रहा पादरी है? लो मैं मूड में आ गया फिर। अब मूड का मतलब थोड़ा सा गुस्सा, इसको उठाओ, इधर कर दे लेडी की तरफ, यहीं कर दे, यहीं बस, यहीं कर दे, यहीं माइक कर, माइक 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 मुंह नहीं बोला, माइक माइक कर फटाफट, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। सुनो अभी मैं, हाँ हाँ माइक माइक बिलीव। सुनो बेटे आप बैठ जाओ, इनके साथ हो गया। सुनो ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? मानसा जिला। मानसा से आए हो? मानसा से। सुनो देखो, मानसा पंजाब से आया है, और ये मैं आज आपके लिए बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जो कह रहा हूँ वैसा हो जाएगा आज से। आपके पेट में इतने इन्फेक्शन है, पेट में कब्जी रहती है। अरे कब्जी का मैं क्या लड़ा, हम पेट की बात करेंगे, हम अंदर थोड़ी घुसेंगे, हमने पेट को देखा है। आपके पेट में इतने इन्फेक्शन है, अभी बहुत सारे इन्फेक्शन है, कब्ज रहती है क्या रहती है वो हमें नहीं पता, वो तू जाने और तेरा काम जाने। सुना पेट का इन्फेक्शन वो ठीक नहीं हो रहा डॉक्टरों से, सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप अलग अलग तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जलन सी रहती है, सही कह रहा हूँ कि नहीं? बड़ी एसिडिटी की गोली खा ली तूने, बड़ी दवाई ले ली, कोई आराम नहीं पड़ रहा। आज कह रहा है कि जो तूने बोया है ना, परमेश्वर ने देखा उसको, समझ गए? आज जहाँ से आप चल कर रहे हैं वहीं बैठो, वहीं आगे नहीं जाना बेटे, वहीं बैठो अपने स्थान पर, आपको बताया था। गुड न्यूज मिलेगा आज से, जो मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारी कुछ भैंसे, भैंसे के नीचे जो मांस का टुकड़ा और कुछ खून मैंने देखा, कोई ऐसी जगह पर थे आप पहले, और ऐसी जगह पर थे, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो ब्लैक मैजिक था। मुख्तियार, मुख्तियार, योर नेम इज मुख्तियार। हालेलुया। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? मुख्तियार। जोर से मुख्तियार, मुख्तियार, जोर से मौजिज़े, 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 मौजिज़े। मुख्तियार, मुख्तियार, सुन रहे होंगे नहीं? मुख्तियार है इनका नाम, सर बोला हालेलुया। ये परमेश्वर, सुनो अभी तीन फैमिलियां आपकी ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं, अगर आप यहां आते तो आप आजाद नहीं होने वाले थे, शैतान आपको मारने वाला था, आप जो काम करते हैं फाइनेंस में गिरते चले जाते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं है, कर्जे जैसे हालात हो रहे हैं सिर पर, परमेश्वर का आत्मा करें कि आप जो काम कर, बोलता को नहीं मुख्तियार, हाँ या ना? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, यही पूछ रहा हूँ। मैंने देखा एक जगह पर एक मोटी सी औरत को देखा मैंने, ज़्यादा नहीं, ठीक सी है, और वो गली में ऐसे कर रही है, फिर वो मर गई। फिर मैंने देखा एक और तेरी हाइट की औरत, और ठीक सी, ज़्यादा भी नहीं है वो, माया माया है, कर दे मेरे, मेरे कर दे। आपकी घर की है? हाँ। घर की है बाहर की? ओ वो री, बाहर आ जा, आपकी घर की है। दौड़ गया, दौड़ गया, माया पलट देंगे आज तेरी काया, जल्दी आ जा, आज यीशु मसीह ने बुला लिया तनु, आज आ जा, सारे बोलो हालेलुया। माया जल्दी आ जा, मैंने क्या कहा, तेरी हाइट की है और थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, ठीक ही है। आ जा, आ जा, आ जा, हालेलुया,
मैं तेरे कोल ही खड़ी हो ना आज के दिन भी ऐसे कोल खड़े होने। सुनो माया, आपका क्या नाम है? माया। माया अभी मुख्तियार बड़े टाइम से एक स्नेक ड्रीम में आता है, सपने में तंग करता है, मरे हुए लोग आते हैं तंग करते हैं आपको, और सब कुछ उजाड़ दिया उसने, घर पैसा जो काम करने जाते कुछ नहीं मिलता, काम के लिए भी कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है 3 महीने के बाद तुम कोई और मनुष्य हो जाओगे, फेमस हो जाओगे अपने गांव में, अपने शहर में फेमस हो जाओगे, आप फेमस हो जाओगे। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। ये एक माया कहां गई? माया ओए कैमरामैन बदतमीज, माया कहां गई? अच्छा ये रही आपकी माया भी निकल जाती है ऐसे जेब में से। देखो अभी क्या हुआ, ये आदमी चल रहा था और पीछे से इसकी माया गिर गई, इसकी पत्नी गिरी, इसकी माया भी गिर गई ऐसे। आपके बहुत सारे पैसे भी गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, आप कहते हैं माया कहाँ गई? माया तू कहाँ गई थी अभी? माया ऐसे गिर जाती है तो चलते चलते चक्कर आते हैं तेरे को। हाँ अब से माया गिरेगी नहीं, इसकी माया। अब इसकी कहूं कि जेब वाली माया कहूं, जो भी आप गिरेंगे नहीं चिंता ना करो, आज से आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन आप दोनों को बांध रखा है, दोनों को। अभी इसी समय वो स्नेक जा रहा है, टूट रहा है बंधन। आप लेबर का काम, जैसे कोई जो मजदूरी का काम कौन करता है, कुछ भी करो, मिल काम मिले वो भी कर लेते हो, आप अलग अलग काम चेंज कर लेते हो। हैं क्या काम करते हो? सब्जी का काम करता हूं। जो भी काम करते चेंज करते आ रहे हो, अब इसी समय परमेश्वर आशीष दे रहे मसीह के नाम में। रबा सना यो वरे दे 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 दे। मित्र देख, और इसी समय दोनों को छोड़ दे, चल मुंह खोल और चिल्लार निकल जा बाहर, आ रा 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 आउट, ओए इतना बड़ा मुंह, बाहर निकल, चल बाहर निकल, जीप और इसी समय निकल जा, इसमें से निकल जा, जल्दी कर मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, आ रा 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 रा, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, छोड़ो दोनों को इसी समय, वो सारे श्राप दोनों पति पत्नी के ऊपर से टूट जाए। आ रा 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 जला 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 अपनी रिपोर्टें चेक कराना, यू आर फ्री, आप अपनी रिपोर्टें चेक कराओगे आप फ्री होगे। सुनो हेलो तर्क बरा मुख्तियार, खड़ा हो जा, तेरे मोबाइल में एक नंबर है, उसका नाम है सतनाम। कौन है? रिश्तेदार है मेरा। हल्के मैंने लगाई है इस पादरी को, मानसा से हर संडे आता रही हो, सुन रहे? 3 हफ्ते के बाद एक नई कार में आएगा तू। ऐसा किदा ऐसा रेडी लाता है, कनक की बोरी भी उठाता है मंडी में, होली स्पिरिट बात कर रहा है, स्टैंड अप। पंजाब का नोट बहुत था, 50 का नोट डाला तूने आज, कितने का डाला है? 50 का। जोर से तारीफ करो। सुन रही है? कार लेकर आएगी 3 हफ्ते के बाद। कार लेकर आएगी, बिग कार एंड न्यू कार। अभी अंग्रेज चले गए, हम आगे, बिग कार न्यू कार बिग हाउस, और मैं बिग मुंडा नहीं कहूंगा। किनू चाहिए मुंडा? मेनू चाहिए। मैं छोटा मुंडा मिलेगा, स्मॉल। जोर से तारीफ करो। सही बता, क्या सच कहूंगी? सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कितने का नोट बोया था? 50 का। तारीफ करो जोर से। देखो 50 बोने से 4 आशीषें मिल गई इसको, कार भी, घर भी, मुंडा भी मिल गया।
ते तुसी सोवोगे तो अनु किन्ना मिलेगा आज से बोना स्टार्ट करो परमेश्वर आशीष दे हालेलुया मुख्तियार हल्के में ना लगाइयो हर संडे आता रहियो अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं परमेश्वर आज तेरे कलाम को सुनना चाहता हूं आज पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके दिमाग में जाए आज परमेश्वर और इनके अंदर वो वचन का बीज जाए और फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज आने पाए बोलो आमीन कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज आज बहुत सारे लोगों के बच्चे कितने लोगों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं हाथ उठा के बताओ अब नीचे करो कितनों के पति पत्नी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं कितनों के माँ बाप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं और कितने लोग खुद फंसे हुए हैं हालेलुया हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो और बुरी आदतों में फंसा हुआ हो सकता है कोई ऐसा फंसा इसका मतलब आपको नहीं पता शैतान फंदे डालता है हर हफ्ते लोगों के ऊपर यार ऊंचा नीचा कर रखा से डंगर से खड़े होके देख लिया करें यहाँ पर बांदर से खड़ा होके देख लिया करें यहाँ पर इसे सही कर दे आगे चल खड़ा नहीं बजा रहा बेंच वहाँ चल रहा प्यार वहाँ जा रहे मेरे इसे मिट्टी को प्लेन कर दे बराबर कर दे ऊपर और नीचे सारे बोलो हालेलुया आज बहुत सारे लोगों के काम हो सकते हैं कि रुके हुए हों लेकिन उन्हें नहीं पता क्यों रुक जाते हैं काम आप बैठकर ध्यान से सुने अगर आप सुनेंगे बाइबल बोलती है सुनने वालों पर अभिषेक आता है यीशु मसीह के नाम में सुनने के बाद आप ज्यादा आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में आपको विश्वास करना है कह रहे बुरे फंसे हुए हैं कह रहे कि बहुत सारे लोग जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं आप सोचते हैं कि शायद मेरे घर में परिस्थितियां ये प्रचार मैंने सुना हुआ है ये बाइबल में मैंने पढ़ा हुआ है आपको नहीं पता जब प्रचारक प्रचार सुनाता है और भविष्यवाणी करता है प्रॉफिट तो आपको विश्वास कर